and does not represent real life. Please play in moderation. 1 lakh करोड़ रुपए का बिहार हो पाएगा and play responsibly. क्या परसों तक जल्दी 1 लाख करोड़ का उधार का एग्जाम करा दो, परसों तक वापस दे दो. ओके जायरो खेल रहे हो पर जा तुम अभी? नहीं बिल्कुल नहीं. ओहो बैड टू यू. बता क्या लगता है अगले साल हो जाएगी तुम्हारी तेरी पठान मूवी रिलीज तेरी तो है क्या लगता है पठान अगले साल रिलीज हो जाएगी? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है बहुत दिक्कत है. नहीं मुश्किल है. हाँ अगले साल रिलीज हो जाएगी मुझे नहीं लगता, पता नहीं. और वो पैसे कम कमाएगी क्योंकि कोविड है, वरना वो 500 करोड़ की मूवी है. ठीक है 500 करोड़ बहुत ज्यादा है लेकिन 500 करोड़ नहीं हो सकता भाई. और अटली वाली मूवी तो गारंटी 400 के ऊपर कमाएगी. तू बिना देखे कैसे बोल सकता है कि 500 करोड़ की मूवी है? मैं बोल रहा हूं ना तुम्हें, मुझे पता है कि कौन सा एक्टर है और वो कौन सा. नहीं भाई वो वही एक्टर चलाया जाता है शाहरुख खान के जीरो. शाहरुख खान के जो बस ये हो जाएगा कि ये मूवी आराम से बहुत अच्छा कलेक्शन इसलिए कर लेगी क्योंकि शाहरुख खान के जो फैंस हैं वो शायद जीरो में उन्हें लगता था कि वो तो हिट हो ही जाएगी, क्या जाएं देखने गए नहीं आते. ऐसा तो कोई नहीं सोचता. ऑफ कोर्स वरना शाहरुख खान के सारे फैन देखने जाते तो ऑफ कोर्स वो बहुत ही ज्यादा कमा लेती. अभी तो फैंस रिव्यूज देख के नहीं यार. अनंत अगर कोई फैन रिव्यू देख के जाएगा ना तो फिर वो फैन नहीं है. तुम लोग रिव्यू देख के देखने नहीं जाते शाहरुख खान की मूवी? देखो एक होता है एजुकेटेड फैन, एक होता है अनएजुकेटेड फैन. शाहरुख खान लाइक लाइक यू हमेशा एजुकेटेड में. शाहरुख खान के एजुकेटेड फैन है तो तू एजुकेटेड नहीं है जो बिना रिव्यू देखे. तू कैसे चला गया बिना रिव्यू देखे? फिर शाहरुख खान के अगर शाहरुख खान के अगर एजुकेटेड फैंस है ना तो फिर वो फैंस ही नहीं क्योंकि डायर फैंस वो होते हैं. फिर तो उसका फर्स्ट डे कलेक्शन आ ही नहीं सकता किसी मूवी का. बल्कि हैप्पी न्यू ईयर का आया था तो क्यों आया था? क्योंकि उसके फैंस है ना वो एजुकेटेड होते तो फर्स्ट डे तो रिव्यू देख के आराम से आते. एजुकेशन का इससे कोई लेना देना नहीं होता. और मूवी लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखने जाते हो एजुकेशन से. उसके बाद शाहरुख के पास हाईएस्ट वनडे का रिकॉर्ड आमिर ने तोड़ा था ना शाहरुख का. हाईएस्ट वनडे का रिकॉर्ड मुझे नहीं पता किसने तोड़ा. दंगल का है फर्स्ट डे का. यस नहीं वॉर के पास है. हां तो हां थर्ड नंबर पे है. हां वॉर के पास है. फर्स्ट वॉर है, सेकंड पे थग्स ऑफ हिंदुस्तान है, थर्ड पे वो है, फिर फोर्थ पे भारत है. तो वही तो कह रहा हूँ कि वो भाई फैंस बिना रिव्यू देखे भी जाते हैं भाई मूवी देख. सही बात है. सिर्फ शाहरुख खान को देखने भाई. तो ऑफ कोर्स वो उससे एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं. जब कोई किसी को पसंद करता है तो उससे पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं होता भाई. पहली बात तो ये बता. हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात. और एजुकेशन ही सब कुछ नहीं है दुनिया में. बिना एजुकेटेड लोगों ने बहुत कुछ करके दिखाया है. ये बात भी बिल्कुल सही है पर मैं फर्क बता रहा हूँ. जैसे डिफरेंस हमेशा बहुत ज्यादा फर्क है. नहीं मैं वो नहीं बोल रहा यार, मैं कह रहा हूँ जैसे संदीप महेश्वरी के जो सब्सक्राइबर्स होंगे वो ऑफकोर्स बेटर होंगे कैरी मिराठी के सब्सक्राइबर से. ये बात तो तुम मानते हो ना? ऑफकोर्स तो वो भाई वो तो है ही. पर मैं उससे किसी को जज नहीं करूंगा ना कि कोई लोग बुरे हैं. नहीं मैं अगेन मीटर किसी के पास नहीं, नहीं, नहीं कोई जज नहीं कर सकता. ये बात तो कोई किसी को जज नहीं कर सकता कि किसकी फैन फॉलोइंग कैसी है. ये तो भाई कोई शाहरुख खान खुद नहीं कर पाएगा कि मेरी फैन फॉलोइंग कैसी है. लेकिन तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी इंडिया की जो फैन इंडिया की जिस हिसाब से ऑडियंस है वो
कैसे लोगों को पसंद कर सकती है, कब लोगों को पसंद कर सकती है तुम समझ? नहीं, लेकिन किसी भी ऐसे एक्टर को सुपरस्टार नहीं बना सकती। तू कैरी मिनाटी को कभी सुपरस्टार बनवा के दिखा दियो इंडिया का सबसे बड़ा। कैरी मिनाटी एशिया का नंबर वन यूट्यूबर बना दिया उन्होंने सिर्फ टिकटॉक की वीडियो से। यूट्यूबर ऑफ कोर्स ओनर डिफरेंस है सब्सक्राइबर में। सब्सक्राइब यूट्यूब फ्री में बैठ के देखना पड़ता है मूवीज के लिए। इस वक्त बहुत बड़ी चीज है किसी के लिए पैसे खर्च करना, वो डिफरेंस बात होती है भाई। तो बहुत चीज पता है वो नहीं है रणवीर अलाहाबादिया, रणवीर अलाहाबादिया, रणवीर अलाहाबादिया नहीं है जो वो बनाता है। उसने बहुत सही यूट्यूब चैनल है उसके, अभी पास से उसके 3 मिलियन साढ़े 3 मिलियन। उसने बहुत सही बात बोली थी कि सोशल मीडिया के जो फॉलोवर सबको लगते हैं कि किसी के 10 मिलियन है, किसी के 20 मिलियन है, किसी 10 लाख लोग कुछ भी नहीं है। अगर अगर आप किसी से गांव में जाके पूछो ना कि मतलब कोई नहीं, लेकिन अगर कोई अमिताभ बच्चन का जाके पूछोगे, किसी भी बॉलीवुड का पूछोगे तो वो सब जान देंगे। तो ये इससे कुछ नहीं हो सकता कि कैरी मिनाटी कभी इतना बड़ा नहीं बन पाएगा शायद, क्योंकि कैरी मिनाटी मतलब कैरी मिनाटी में और कैरी मिनाटी को शायद तुम भी उसकी वीडियो ना तुमने भी तो एक देखते हो तो शायद तुम भी उनमें से हो गए थे। मैं तो सालों में हो गए ना, मैं तो कभी देखता ही नहीं। नहीं नहीं फरजाद देखो, तुम वीडियो देख रहे हो तुम्हें पसंद नहीं आ रही, और तुम मैंने तो ना उसका चैनल सब्सक्राइब कर रखा ना मैं उसकी वीडियो तो सब्सक्राइब तो मैंने भी कर रखा, लेकिन वही तो लेकिन वीडियो उसकी कोई वीडियो वीडियो 30 मिलियन से ऊपर है। अनस 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 तुझे वीडियो तू नहीं देखता उसकी वीडियो, बल्कि फिल्म फेयर वाली तो मुझे रियान ने बताई थी एक बार, रियान तुमने फिल्म फेयर वाली बताई थी कि फिल्म फेयर वाली बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो फिल्म फेयर वाली शायद तुमने ही बताई थी मुझे पसंद नहीं आई थी वो वीडियो तुमने देखी। मुझे कैरी मिनाटी की वीडियोस कभी पसंद नहीं आती क्योंकि वो गंदी बातें बोलता है एक एक इंसान के बारे में। कैरी मिनाटी के बारे में सारे पढ़े लिखे ना लड़के उनसे कैरी मिनाटी का पूछियो तब उसकी बातें कर रहे यार। फरजाद कैरी मिनाटी को सबको पता है कि यूट्यूबर बहुत बड़ा है, लेकिन कैरी मिनाटी किस टाइप का प्लेयर है, मतलब किस टाइप का इंसान है? और मैंने फरजाद मैं इंसान बुरा नहीं है यार, वो वीडियो बनाते उसके उसका चलता है उससे वो वीडियो बना रहे हैं। सलमान खान का मेरी नजर में जो सलमान खान का पर्सपेक्टिव है, नहीं मैं कह रहा हूँ सलमान खान का पर्सपेक्टिव, सलमान खान का बहुत ही रॉ स्टार है, मैं सलमान खान का बना था, ये मेरी तरफ से कभी पर्सपेक्टिव नहीं बना, ये मैं अपने दोस्तों का ही बहुत ज्यादा है कि मैं उनसे ये बात करता हूँ तो वो भी सेम ही उनका रहता है हमेशा की अनएजुकेटेड जो भी पीपल मतलब काफी ज्यादा कोई बात नहीं। सारे मैं समझता हूँ कि शायद हाँ ऑफ कोर्स उसके सारे रिक्शे वाले फैंस हैं वो कोई बात नहीं मुझे उस पर उसके हैं ना कम से कम मूवी के लिए पैसे खर्च करते तो है ना उसकी मूवी देखने के लिए, चाहे रिक्शे वाले मेहनत की कमाई कमाते हैं ना तो लेकिन खर्च करते हैं ना पैसे मूवी देखने के लिए। 200 रुपए की टिकट खरीदते हैं ना वो एजुकेटेड फैंस तो मूवी के टिकट भी नहीं खरीद रहे ना। जीरो देखने गए थे 92 करोड़ पे रुक गई तो वो उस एजुकेटेड फैंस का शायद सलमान खान को उन एजुकेटेड फैंस की जरूरत नहीं है क्योंकि उस एजुकेटेड फैंस से ना सलमान खान को कुछ प्रॉफिट हो रहा ना कुछ हो रहा देयर इज अ डिफरेंस बट ऑडियंस बहुत बहुत ज्यादा फर्क है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में। ये कोई टॉपिक ही नहीं कि कौन एजुकेटेड फैन फॉलोइंग है किसी की अनएजुकेटेड फैन फॉलोइंग है तो टॉपिक ही नहीं होता ऐसा होता है। अरे मतलब मैं एक बिल्कुल ही परफेक्ट बात बोल रहा हूँ जो मेरी बात है और फिर उससे बोलता है कि मैं स्टार्ट नहीं करता भाई तूने कल भी ऐसे किया और आज भी यही कर रहा। अरे मैं बस ये बता रहा हूँ कि अगर मैं 10 लोगों को खड़ा करा देता हूँ और मैं तुमसे वो बात पूछ पाता हूँ जो मैं अभी तुम्हारे सामने हाँ तो वही तो कह रहा हूँ यार है ना इंडिया में इंडिया में जो एजुकेशन का रेट है ना वो बहुत ही कम है। इंडिया में ना सबका जो स्टारडम होगा ना वो ऐसे नहीं होगा तो मूवी देखने वाले सारे मैं कितनी बार बताऊं इसे कि ये गवार कहना चाह रहा है ये वो नहीं कहना चाह रहा पढ़े लिखे भी गवार होते हैं यार पढ़े लिखे भी गवार होते हैं तुम्हें बहुत पढ़ा लिखा लगता है। एक भी चीज बता रहा हूं अच्छा चल और एक से एक चीज बता रहा हूं मैं कि क्लास का टॉपर बच्चा होगा और तुमसे बात करेगा ऐसा लगेगा ये तो अनपढ़ है पर वो होगा उसके सबसे ज्यादा मार्क्स आते होंगे इतना वेल एजुकेटेड होगा पर उसको बिहेव करना नहीं आता होगा। अगर तुम्हें बिहेव करना आता होगा ना तो तुम्हें लोग समझेंगे कि तुम पढ़े लिखे हो बहुत ज्यादा तो पढ़ा लिखा और गवार में फर्क है पढ़े लिखे गवार कहने का। अच्छा चलो ठीक है रयान अच्छा किसी के अगर फैंस कोई गवार भी है चलो मान पर ये कोई वो नहीं होता कि अगर किसी के फैंस गवार है और किसी के बहुत ही समझदार है तो ऑफ कोर्स वो बड़ा हो जाएगा इससे ये कोई लॉजिक ही नहीं बनता है मेरे हिसाब से।
ये तो फालतू की बातें होती हैं। अच्छा वो नहीं मानूंगा बिल्कुल भी। अच्छा मतलब उसको अच्छा तो इसमें सलमान खान की गलती है कि उसे कोई गवार आदमी पसंद करता है? मैं बिल्कुल गलती नहीं है यार, मैंने कभी बोला नहीं उसकी गलती है ना, उसको मैंने आरोपी माना नहीं। मतलब और ये कोई वो नहीं होता भाई किसी का, और उसको भी पसंद करते भाई। और अब तो वरुण धवन उसे पसंद करता है तो वरुण धवन गवार है। और देखो वरुण धवन किस टाइप का एक्टर और कैसी मूवीज और कैसी एक्टिंग करता है, गवार है उसको, गवार है। नहीं गवार नहीं है, वरुण धवन ने हर बार वैसी मूवी नहीं किया, वरुण धवन ने बदलापुर जो की थी उसमें। नहीं नहीं मैं कह रहा हूं कि वो जैसी इंस्पिरेशन उसकी है वो वैसी मूवी दे सकता है, मतलब उसकी एक्टिंग नहीं। पर वरुण धवन थोड़ा गलत गलत चीजें करता है, मतलब वैसा एक्टर नहीं है। मतलब वरुण धवन जैसे तू सोच, वरुण धवन ऐसा एक्ट, वरुण धवन कमर्शियल एक्टर है। मतलब वो बल्कि रणबीर कपूर से भी आपकी अदालत में पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कौन है बड़ा, उसने भी यही बोला था कि मुझे लगता है सलमान खान, क्योंकि वो एक मतलब उनका वो जो फैन फॉलोइंग है वो भी अलग है उससे। वो आपकी अदालत में बोलता है ना कि आप, मुझे इतना पता है वो बोला उसने, लेकिन आपकी अदालत में पूछा कि आपको क्या लगता है आज की डेट में कौन है सबसे बड़ा स्टार, सबसे बड़ा स्टार कौन है आपकी डेट में, उसने यही बोला था। लेकिन तो भाई तो अब रणवीर कपूर को भी तू बोल देगा, अब रणवीर सिंह ने बोला कि वी ऑल फॉलो हमेशा रणवीर सिंह बहुत ज्यादा मुझे सबसे सही लगता है बॉलीवुड में। अच्छा रणवीर सिंह गवार है, रणवीर सिंह की जो हरकतें वो अच्छी तो नहीं है, पर हां रणवीर सिंह तो कुछ सही लगता है। रणवीर सिंह को क्या बोलूंगा, रणवीर सिंह बहुत ही अजीब सा इंसान है वैसे। और भाई तू साउथ की मूवी देख वो तो भाई, और इंडिया की ना जो पहली बात तो तू पहली बात उस कंट्री में नहीं रहता जिसकी एजुकेशन रेट या जो जिसका गवारपन रेट टू एजुकेशन की 100% नहीं है भाई यहाँ पर। यहाँ पे यहाँ पे तुम एक बार ध्यान से उसी ना सोशल मीडिया क्लिप्स देखा करो, और तुम उसको कह ही नहीं सकते कि ये बहुत बड़ा एक्टर है, इस इंसान की मूवी 300 करोड़ कमाई थी। बहुत सारी ऐसी शाहरुख खान क्यों सबसे इंटेलिजेंट बॉलीवुड में कहलाया जाता है, क्योंकि तुम उसका बात करने का तरीका देखो बॉलीवुड के अंदर सबसे अच्छा होगा, इंस्पायर करने का तरीका सबसे अच्छा है उसका। हाँ तो ऑफ कोर्स पर मैं उससे किसी, हाँ वो तुम्हारे तुम्हें अच्छा लगता है क्योंकि तुम उसमें सारी अच्छाई देखोगे ना। अच्छाई नहीं देख रहा मैं, वैसे भी बता रहा हूँ तुम्हें कि वो सच में वैसे ही शाहरुख को बोलूं भी कि इवन उसकी मूवी नहीं चल रही, मूवी के आगे स्टारडम आडम शाहरुख सुपरस्टारनेस को हटा के मैं बात कर रहा हूँ कि जब वो बात करेगा किसी से तो ऑफ कोर्स वो फील आएगी कि वाओ ये कोई है, मतलब पर्सनालिटी है उसके अंदर तो नॉर्मल है उसका। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफकोर्स हाँ उसकी मूवी वूवी नहीं चल रही है, उसका स्टारडम वार्डम क्या छोड़ो, और मैं वैसे बता रहा हूँ उसके साइड में हट के। हाँ तो भाई वो सब है लो, ये पर बहुत ही गलत होता है कि किसकी फैन फॉलोइंग के लिए, ये कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, ये तो कोई बेवकूफ आदमी ही करेगा ऐसा, क्योंकि तू नहीं कह सकता कि शाहरुख सलमान खान की ज्यादा फैन फॉलोइंग एजुकेटेड है, शाहरुख खान की ज्यादा एजुकेटेड है, क्योंकि इसका मेजरमेंट ना तूने किया ना मैंने किया ना वो कर सकते हैं। मैं डिसाइड नहीं करूंगा, ये चीज लोग डिसाइड करेंगे। हाँ तो लोग है ना, तू दुनिया में तू 200 लोगों से भी नहीं मिला होगा ना, 10 लोगों का एक सिंपल आइडिया है ना, तू सब पे नहीं थोप सकता। 10 लोगों का सिंपल आइडिया, तू 10 लोगों का नहीं, मैं बहुत ज्यादा आइडिया भाई। अरे वो जैद यार रहना भी भाई, ये चीज थोड़ा नहीं, तो जैद बोल देगा बस एंड में। हाँ तो वो सब ठीक है, लेकिन 10 आदमियों के कहने से मैं रिजल्ट नहीं मान लूंगा ना। अब कितने लोगों से मिला है भाई जिंदगी में, तू मुझे इतना बता दे भाई। मिला नहीं हूँ ना मैं सोशल मीडिया यूज करता हूँ, सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया पर तुझे वही चीज दिखाई देती है तो देखना चाहता है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जो बहुत चीजें मैं ऐसी होती है जो मैं खुद देखता हूँ, उस बात पे मैं चेक करता हूँ, बहुत ज्यादा पसंद है।
हॉलीवुड भी बोलता ना हॉलीवुड तो भी मैं बहुत ज्यादा वो मानता क्योंकि हॉलीवुड बहुत सेंसिबल लोग और उनकी मूवी और जब सलमान खान के घर के आगे लोग होते हैं या शाहरुख खान के घर के आगे लोग होते हैं भाई मुझे तो लगता है मुझे तो सारे लोग सेम ही लगते हैं मुझे नहीं लगता कि कोई सभी ठीक है होते हैं उनके नाम सभी कर रहे होते हैं इसमें तो ये हरकत तो वही करेगा जो गवार होगा घर के बाहर चिल्लाना ऑफ कोर्स जब तुम जाओगे तो सलमान के फैनों पर तुम तो देखो तो और उन्हीं ये नहीं मानता मैं ये नहीं मानू शाहरुख नहीं आता है ना वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर का घर देखने नहीं आते जब उसकी बहन आती है बाहर से लंदन से उसका भी सबसे बड़ा यही सपना होता है कि वो शाहरुख क्योंकि वो इंडियन है ऑफ कोर्स वो इंडियन है वो इंडियन है अभी अभी टर्की में अभी वो ही तो हुआ टर्की में सलमान खान का वो बेचारा वो कितना बड़ा फैन था वो आया टर्की से वो खाली फोटो खिंचवा के चला गया लेकिन उसकी किस्मत ऐसी थी कि वो टर्की में जो सलमान शूट कर रहा था तो उससे मिला तो उसने इतना इमोशनल वो डाला कि मेरा ड्रीम हो गया मैं कहाँ मतलब जनवरी में लास्ट ईयर सलमान खान के घर के सामने था और उससे उसे देखने की कोशिश कर रहा था लेकिन अब ऐसी किस्मत हुई कि मैं उससे मिल भी लिया अच्छा मैं एक बार तो भाई वो इमोशनल लोग कनेक्ट हो जाते हैं और सब नहीं होते और क्या जैसे लिंगार्ड नहीं है रोनाल्डो के लिए डाला जिसने गोल मारा हाँ उसने डाला इतना छोटा था जब वो सीख रहा था रोनाल्डो से ड्रिबल करना ड्रिबल करने की टेक्निक बता रहा था मैंने बहुत पहले देखी थी वो पास तो खुद डाला ना वो बहुत अच्छा लगा तो भाई क्या सही सोचो कुछ भी सोचते हो ना तो मतलब वो हो सकता है उसने कहा ड्रीम देख उसने हां ही डाला नहीं वो तो एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था तुम सलमान के फैन हो तुम सोचो एक दिन मूवी कर रहे हो उसके साथ कैसा फील होगा तो एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था दोज हु डेयर टू इमेजिन द इंपॉसिबल जैसे और मैं समझता हूँ कि भाई वो अगर सलमान खान का इतना वो एटीट्यूड मतलब ये होता कि वो मतलब जो कह रहा है कि गवार फैंस होते हैं तो जो शाहरुख खान उसका इतना अच्छा तो ये होता भाई जरा है सलमान खान क्या है सलमान खान टेंथ फेल है अन्नू मेरे भाई पहले जाके देखो वो जिस स्कूल से पढ़ा है ना वो इंडिया का थर्ड नंबर का सबसे बड़ा स्कूल है वो तो और मुझे वो पता है वो टॉप से पढ़ा है वो ग्रेजुएशन में उसे ड्रॉप आउट करा ही कम्स फ्रॉम ऑफ कोर्स फरजान वो कौन सी फैमिली से आता है यू नो अनस वो कौन सी फैमिली से आता है वो बात सही है लेकिन राइटर को कभी नहीं वो मैं पैसों की वजह से नहीं कह रहा हूँ कि वो सबसे बड़ा है लेकिन वो पर वो ना स्टॉपर्स भी उसकी लाइन लगाने के लिए एक सेल्फी लेना चाहिए मैं ये बोलूंगा मतलब कि अगर सलमान टेंथ फेल कर रहा है पर हार्वर्ड्स के पढ़े लिखे तुझे सलमान खान के बाहर दिखेंगे सेल्फी लेने के मैंने अरे मैं उसको पूरा तोड़ना कह रहा हूं उनको फेलियर पूरा फेलियर जरूरी तोड़ना और शाहरुख खान उसे अपना भाई की तरह ट्रीट करता है तो शाहरुख खान भी आने की गवार हुआ इनडायरेक्टली तो वो फिर गवार हुआ शाहरुख खान क्यों क्यों मानता है बेचारा एक रिलेशन अलग होता है नहीं अगर वो इतना ही गवार होता तो शाहरुख खान उससे दूर रहता ना मतलब एजुकेटेड उसकी इंग्लिश अभी भी टॉप की है वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है बहुत अच्छी बोलेगा वो सिंधिया से पढ़ा है और इंग्लिश अच्छी उसकी होगी वो सिंधिया से पढ़ा है ना बॉलीवुड में उसको हिंदी मूवी बनाता है इंग्लिश आने की क्या जरूरत है लेकिन अरे लेकिन अरे लेकिन लेकिन फर्क मतलब पता लग जाता है ना कि पहले अपनी क्लियर कर लो सलमान खान ने ग्रेजुएशन से ड्रॉप आउट किया उसने 12th कर रखी नहीं सलमान ने 12th नहीं किया था 12th नहीं पढ़ता चलो आमिर खान ने दी थी फराह खान ने दी थी उसकी डिग्री 12th की कि चलो तुमने नहीं किया तो फिर से बताया था कि मैं क्यों नहीं कर पाया ऐसा कुछ बताया था सर
सलमान खान ने तो बोला था वो सिंधिया से करा हुआ है। नहीं भी करेगा, आमिर खान ने भी नहीं कर रखा, आमिर खान भी टेंथ नहीं कर रखा। मुझे ये सब नहीं पता, विराट कोहली 11 विराट कोहली 100 में से तीर आया। नहीं, आमिर खान ने खुद बोला, जब विराट कोहली ने बोला कि मैंने 11th में से ड्रॉप आउट किया, तो आमिर खान ने यही बोला कि मैंने तो 10th भी नहीं करके। पर जब विराट कोहली, आमिर खान ये टैलेंटेड एक्टर्स हैं, टैलेंटेड मतलब अपनी फील्ड में बहुत टैलेंटेड हैं, पर सलमान खान अपनी फील्ड में टैलेंटेड नहीं था। सलमान खान की जो डेब्यू मूवी है ना, वो उसकी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। उसके पास लुक थे, अरे लुक्स प्लस एक सेकंड रुक जा, एक बात बताऊं, सच बताऊं, अगर वो मूवीज मिली थी ना उसको, उस हिसाब से उसने एक्टिंग की है अपनी। और दूसरी एक और मैं बताता हूँ की नहीं, अरे बिलो एवरेज की है, पर उसे लोग पसंद करने लगे वही चीज। तो ये तो सोच, उसकी बिजनेस तो कर ही रहते ना फिर लोग, वरना पसंद नहीं करते, ऑफ कोर्स वो यहाँ नहीं होता ना फिर। नहीं यार, मैं नहीं भाई, तो एक भी बात फ्री में तो नहीं होगा ना ऐसी सारी चीजें। कुछ तो वो अनंत ऐसे बन गया, इतना बड़ा सुपरस्टार वो ऐसे बन गया, इतना बड़ा है ना। हां, मेरे को समझ नहीं आ रही है बात, वो मतलब जितना बड़ा वो सुपरस्टार है ना। हट यार, शिट, अंदर आ भाई, तू कम 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 कम, वहां से तो रिवाइव नहीं हो पाऊंगा मैं, हो जाएगा। एक मौली मार, तू मौली अरे हट तो भाई, मैंने नाइट मारा यार, यहां पे कैसे कर रहा है। यस हमेशा के मतलब ये ना साइड से आ गया, मैंने कहां से आ गया, साइड से आ गया बताया, मैंने तो मौली करा था, तूने बहुत लेट बताया, मैंने नेट, तूने भाई बहुत लेट होता है ना, मैं तो मौली कर रहा था।